कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर अच्छी बात नहीं होती। मुझे तो अच्छा लगता है। चलो अगर मेरी जान को अच्छा लगता है तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है, चाहे मेरी जान ही निकल जाए। अच्छा अभी रात के प्रोग्राम में क्या सोचा? ना बाबा ना, अब्बू को नहीं जानती है टिड्डी। अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए प्रोग्राम बनाया। शकीला तुम तो बाज आ जाओ। आप भी खुदा के वास्ते कभी हमारी बात भी मान लिया करे। तैमूर भाई आप ही बाजी को समझाएं। आप ही, अगर आज आपने मेरी बात ना मानी तो हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। तैमूर लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया। अगर कोई बात हुई तो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बस अम्मी और तमसीला को मनाने की देर है। हाँ, अम्मी और तमसीला कभी भी नहीं मानेंगी। कैसे नहीं मानेंगी, मैं मनाऊंगा। और देखो जो मैंने तुम्हें समझाया याद है ना? याद है सर। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 10 वर्षों में मैंने कोई भी टेंडर लूज नहीं किया। इस दफा भी लूज नहीं करेंगे सर। जहां हमारी कंपनी टेंडर भरती है दूसरों के हौसले जवाब दे देते हैं। मैं चलता हूँ सर। थैंक यू। साजिद साहब, हाँ मिला। ओ हेलो साजिद, कैसे हो? अरे बाबा मुझे याद है आज हमारी लंच मीटिंग है। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, जरूर पहुंचूंगा। तुम कब पहुंच रहे हो होटल? बस ठीक है, राइट, दैट मीन्स 1:35 शार्प। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप बेफिक्र हैं, बहुत मजा आएगा। तैमूर
तुम अपने बाप के गुस्से को अच्छी तरह जानते हो। हम ये भी जानते हैं कि अब्बू तैमूर को कितना प्यार करते हैं, उसकी किसी ख्वाहिश को कभी रद्द नहीं करते। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। यही ठीक है, पिछले कितने सालों से वो टाइम देकर नहीं पहुंचते, हर दफा कोई जरूरी काम, कोई मीटिंग, बस यही तरीका तो काबू कर लिया। मेरा मशवरा तो यही है। आप मान चुके हैं, आपका मशवरा। लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी प्लीज आप तो मान जाएं। फर्क क्यों नहीं पड़ता? अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं, अब्बू ने आज तक ना तमसीला को कोई अहमियत दी है, ना उसकी किसी बात को। उनके लिए तो ये बोझ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही मैं साफ बात करती हूँ, इसीलिए बुरी बनती हूँ। सच तो ये है कि अब्बू के लिए बेटियाँ अजाबे इलाही हैं, उनकी खुशियों का महवर और मरकज, बुढ़ापे का सहारा, वारिस तैमूर है, सिर्फ तैमूर। शकीना ऐसी बातें नहीं करते। अबू को हम सबसे बहुत प्यार है, हम सबकी फिक्र करते हैं, वो ख्याल रखते हैं हम सबका। ओहो, आप लोग किस बहस में पड़ गए? अम्मी मान जाए ना प्लीज। अच्छा भाई चलो ठीक है। थैंक यू अम्मी। जिंदगी से तेज नहीं चलता। क्या मतलब? देखो ना यार, कल हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हैं। कल और आज में कितना तवील सफर तय कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। यार साजिद, एक तो तुम्हारे अंदर का दानेश्वर तुम्हारी जान नहीं छोड़ता। अरे भाभी बोल रही होती तुम्हारी ये फलसफियाना बातें सुन सुन। तुम्हें तो पता ही है वो मुझसे भी दो हाथ आगे, खाना खाए बगैर सो सकती, मगर किताब पढ़े बगैर उसे नींद नहीं आती। हमारा बेटा सुहेल भी माशाल्लाह लिटरेरी टेस्ट का मालिक है। यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी दोस्ती है हमने। हाँ, इस शख्स ने मुझे बहुत परेशान किया। बस रोहेल की दूरी हमें कभी कभी उदास कर देती है। अच्छे फ्यूचर के लिए बाज औकात इंसान को औलाद से दूरी बर्दाश्त करना पड़ता। हाँ ये तो है, लेकिन रोहेल सुहेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुहेल तो माशाल्लाह अदबी जौक के साथ साथ कारोबारी जहन भी रखता है। मेरा सारा कारोबार उसी ने संभाल रखा है। हाँ वो कारोबार पे याद आया यार, वो तुमने बीटेक का टेंडर पढ़ा? तुम पढ़ने की बात कर। अरे बाबा मेरी मर्जी के बगैर इस शहर के किसी भी अखबार में किसी भी टेंडर का कोई इश्तहार छप ही नहीं सकता। तो फिर क्या इरादा है? वही हमेशा की तरह विन करने का। इस साल मैं भी एक आइटम के लिए टेंडर भर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। ऐसा करना कि तुम अपने उस आइटम के बारे में मुझे बता दो, ताकि जब मैं टेंडर भरूं तो मैं उसकी कीमत ज्यादा भरूं, और इस तरह से उस आइटम का टेंडर तुम्हें मिल जाए। अच्छा तुम भी मुझे अपने आइटम के बारे में बता देना, ताकि मैं उसकी कीमत ज्यादा भरूं। यार ऐसा क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें लेटर पैड दे देता हूँ, तुम दोनों भर देना। ना ना, दोनों तुम ही भरो, इस तरह तुम्हें टेंडर भरने का तजुर्बा हो जाए।
यार यूं क्यों नहीं करते कि तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, वो मेरा जीएम समझा देगा तुम्हें कि टेंडर वगैरह किस तरह भर। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर वो खाने का बिल कौन देगा? भाई वाउचर आपकी कंपनी को जाएगा। सर लेकिन मीटिंग तो आपके कहने पे तय हुई थी। जनाब इस वक्त गुफ्तगू तुम्हारी कंपनी के बारे में। सर ये ज्यादा है। जब फिजूल बातें छोड़ो काम। जी सर। मिस्टर श्वेत, आप जानते हैं कि हम एक कंपनी के पार्टनर हैं, जिसमें तुम चीफ एग्जीक्यूटिव। जी सर। तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मुझे आप पे अतमाद है, आप बहुत तजर्बाकार और जहीन आदमी हैं। मेरा तजर्बा, मेरी जहानत, मेरे अपने कारोबार के, दूसरों के कारोबार का मैंने ठेका नहीं उठा रखा। लेकिन सर आप मेरी कंपनी के पार्टनर हैं। मैं सिर्फ 30% का पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। मिस्टर शोएब, अगर आपने इंटरेस्ट ना लिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवा कर आपको इस ओहदे से हटाया भी जा सकता है। है वाकई सर? कब? ओके सर, आई एम सीरियस। अगर संजीदा हो तो अभी फैसला करो तो तुम ऑफिस आया करोगे या नहीं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। सर मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो यार ये बात मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। सर आप भी जानते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंसेज में एमएससी कर रहा हूँ और मेरी इस एजुकेशन का फायदा इस कंपनी को ही होगा ना। तो लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे। लेकिन डैडी। डैडी याद नहीं है वो? डैडी आप मेरे डैडी नहीं? नहीं 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 हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं हूँ। डैडी? क्या डैडी भी घंटों के हिसाब से होता है? इस वक्त आप मेरे डैडी नहीं तो फिर कब होंगे? क्यों? इसलिए कि ये फैसला मैं अपने डैडी से पूछ के करूँगा और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। अपना कोई काम उनकी मर्जी और उनके मशवरे के बगैर नहीं करता। जो मशवरा करना है अभी कर। किस से? मुझसे? नहीं नहीं, ये मशवरा मैं अपने डैडी से ही करूँगा। तो मैं कौन? क्या बकवास कर रहे हैं? सर आपने खुद ही तो कहा है कि। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने आज तक अपना फैसला तुम पर नहीं थोपा और नहीं मैं ऐसा करना चाहता, लेकिन आज तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें क्या करना। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे वादा है कि मैं एमएससी करते ही ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा और इस दौरान मैं सोच भी लूंगा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। वो ये जो आज की मीटिंग है ये बेमकसद रही? नहीं नहीं, बहुत बामकसद हुई। मेरी आज अपने पार्टनर से मुलाकात हुई, मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर सख्त आदमी है। शायद तुम्हारी कमजोरी है और मेरी कमजोरी का तुम नाजायज फायदा उठा रहा। नहीं डैडी, नाजायज नहीं, जायज। शट अप। शट अप तो मैं तब होऊंगा जब खाना आएगा। वैसे आपने ऑर्डर भी दिया या नहीं? अच्छा वो खैरियत से तो है ना? अच्छा अच्छा फिक्र ना करो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ ये कौन सा हॉस्पिटल में? अच्छा बस बस घबराओ नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ अभी पहुंच रहा हूँ बस। अकबर जरा जल्दी चलो, ये कौन सा हॉस्पिटल है क्या? आप we
आपके लिए एक सरप्राइज है पापा। हैप्पी बर्थडे टू माय स्वीट पापा। क्या बकवास है पापा, आज आपकी सालगिरह है। पिछले कई सालों से हमारी ख्वाहिश थी कि आपके साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं होता। बस यही एक तरीका था आपको बरवक्त बुलाने का। पापा, वो आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो 5-star होटल ही बन गया है ना, तो हमने सोचा सिर्फ नाम का ही फर्क है ना, तो कोई और होटल ना सही, यही सही। जानती हो इस फर्क को? तुम लोग इस फर्क को महसूस नहीं कर सकते। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि यहां तक पहुंचने का मेरा ये छोटा सा सफर मेरी जिंदगी का कितना तवील तरीन और कितना कठिन सफर साबित हुआ है? मैं अपने कंधों पर अपनी लाश उठाए यहां पहुंचाऊं, बस हर लम्हा हर पल एक ही दुआ, एक ही खौफ, खौफ कितना खौफनाक होगा इसका अंदाजा मुझे आज हुआ है, आज। पापा, हमें अंदाजा है कि आपको कितना दुख पहुंचा होगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, जानता हूं मैं, जानता हूं ये सब शरारत तेरी होगी। आंखों के सामने से इस बेचारे का क्या कसूर है? सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया। ये बेचारी नहीं है, मनहूस से नफरत है मुझे, इससे नफरत, इसलिए मैंने इसकी सबसे पहले मंगनी की। अब जल्दी से इसकी शादी तय कर दो ताकि ये तबाह हो जाए मेरे घर से। पापा, तमसीला का कोई कसूर नहीं है, प्लान मैंने और तैमूर ने बनाया था। बस बस, चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। ये सही पापा, प्लान मेरा ही था। अब मुझे जो चाहे सजा दे दें, लेकिन मुंह ठीक कीजिए पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, मेरी खातिर। तू तो मेरी जान है, पर देख बता, आइंदा मुझे इस किस्म का मजाक करके आजमाना नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं, मर जाऊंगा। सॉरी पापा। अच्छा पापा, अब मुंह ठीक कीजिए और केक काटिए। चल। ऑलराइट, नाउ वेयर इज द कैंडल? And there we go. This is the cake. Shall I? अरे वो तो गाओ सब। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Sorry, happy. ये हमेशा होता है, पापा आपको बुरा कहते हैं, आपको डांटते हैं। मानो प्यार भी तो करते हैं ना। कहाँ करते हैं, वो तो मामा से हमेशा कहते हैं कि मुझे तो बेटे की ख्वाहिश थी, ये कहाँ हो। मानो ये सब झूठ है, कसम से। आप ही इतना सच्चा झूठ तो मेरे जितने बच्चे भी जान चुकी है, आप अपने आपसे क्यों छुपा रहे हैं? मानो तुम जानती हो ना कि मुझे पापा से कितना प्यार है। सब जानते हैं सिवाय पापा के। पापा कब जानेंगे, कब पता चलेगा उनको?
वालेकुम। सर मैं लेने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आओ तो सही, बैठो ना। देख लिया तो क्या होगा? तुम्हारे वालदैन ने बखुशी बहुशोहवास तुम्हारी मुझसे मंगनी की है और फिर शादी भी तो करने वाले हैं, फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो फिर तुम ही कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ तुमसे कोई मुलाकात हो सके, बात हो सके, इजहार ख्याल हो सके। वैसे सुना है कि ना चांद पर भी ट्रैफिक आम नहीं हुई है और ना ही वहाँ पर प्यार की बातें करने के लिए कोई ढंग की जगह है। जहाँ से तुम घर भी तो आ सकते हो ना। अच्छा, बहुत अच्छी लतीफे सुनाने लगी हो। किसकी सोबत का नतीजा है? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। घर पर तुम मेरी शक्ल देखकर ना यूं गायब होती है जैसे भिखारी हमारा कुत्तों को देखकर। पालतू हूँ फिर भी इतना डरती हो? जहाँ से मैं डरती नहीं, सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा जहाँ से बहुत टाइम हो गया मुझे, प्लीज कॉलेज वापस छोड़ दो, ड्राइवर आ गया होगा। बेटा देख ली कागजात? जी दादी। डेढ़ लगता है कि अंकल अकमल से आपकी दोस्ती बहुत गहरी है। हाँ बहुत गहरी, वो बचपन ही से मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी खातिर दूसरे लड़कों से लड़ पड़ता था। बहुत अच्छा इंसान है, बस गुस्से पर काबू नहीं है, जज्बाती, जो कहता है कर गुजरता है चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे डरी एक बात होता है, कारोबारी हलके में अंकल का बड़ा नाम है, बड़ी साख है उनकी। हाँ माशाल्लाह बहुत नाम है, उसने बड़ी मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि उसके साथ मिलकर अपने कारोबार को और मुस्तहकम करूं, वो मेरी बहुत मदद कर सकता है। जी हाँ, और ये बात उन्होंने साबित भी कर दी है। वैसे जिस तरह उन्होंने गाइड किया है, आई एम श्योर कि टेंडर हम लोगों को मिलेगा और इस टेंडर के मिलने से हमारी कंपनी खासी मुस्तहकम हो जाएगी इंशाल्लाह। सुहेल बेटा, मैं चाहता हूँ कि बिजनेस के साथ साथ हमारी दोस्ती भी मुस्तहकम हो, बल्कि दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। मतलब भी तुम्हें समझा दूंगा। राहीला ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दी जाए। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा। माशाल्लाह तीनों जवान हैं, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। ओहो, अरे जिसकी पहले मंगनी की है पहले उसकी तो फिक्र करो, बाकियों की बाद में करते फिरना। लोग क्या कहेंगे कि तीसरी की पहले शादी कर दी? मुझे तो उसकी मंगनी पे भी एतराज था। तुम्हें तो सिर्फ उसकी मंगनी पे एतराज है ना, मुझे तो उसके पैदा होने पे भी एतराज है। ये सब बकयानूसी पुरानी बातें हैं। नहीं पुरानी मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पहले दोनों की करूंगी फिर तमसीला की शादी करूंगी। अच्छा बाबा, जो जी चाहे कर लेना। कभी तो आप मुझसे काम ले लिया करो, कभी तो एहसास क्या करो अपने बाप का, दिन रात जान जो तुम्हें डालकर कमाता हूं मैं, कितनी मेहनत की कमाई है मेरी और तुम लोग एक मिनट लगाते हो सब कुछ चकना चूर करने में। शेम, जस्ट शेम ऑन यू।
कांच के पर्दे।